एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज है यहाँ पे रेगुलर सा डे, यानी कि वीक डे चालू हो गया है और घर के बहुत सारे काम कर लिए, रूटीन वर्क्स कर लिए, घर की बहुत सारी चीजें को की टेक केयर कर ली। आज सोमवती अमावस्या भी है और मैं आपको बता दूं कि कल से नवरात्रि चालू हो रही है। तो अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ नवरात्रि की थोड़ी तैयारी करने के लिए, यानी कि नारियल और थोड़ी कुमकुम रोली लेने के लिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे टेक्सस में ग्रहण लगा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि बहुत सब जगह न्यूज चल रही है, काफी लोगों ने सुन लिया है और सबको समझ में आ गया है कि अभी ग्रहण लग गया है। पूरे वर्ल्ड में ये बात हो रखी है, सोलर इक्लिप्स चल रहा है। तो अभी फिलहाल सोलर इक्लिप्स चालू ही होने वाला है और मैं निकल गई हूँ अपना इंडियन स्टोर से कुछ सामान लेने के लिए। मैंने यही सोचा मैं टाइम से आ जाती हूँ, क्योंकि अपने आप को लेट करने से क्या मतलब है। थोड़ा सामान जाके ले आती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे मौका मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है शाम को एक्चुअली, इसीलिए। तो अभी फिलहाल जा रही हूँ इंडियन स्टोर पे। मुझे पता है लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी ना त्योहार वगैरह के टाइम पे, तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और सब शॉपिंग करने लग जाते हैं उसी टाइम पे, मतलब एक दिन पहले ही सबकी शॉपिंग हो जाती है। अब मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है वीकेंड में कर ली हो, या फिर अभी जैसा टाइम मिल रहा है, जैसे मेरे जैसे लोग जो एंड टाइम पे जाते हैं और फिर शॉपिंग वगैरह करते हैं, बस वही चक्कर है। और साथ में बता दूं कि ग्रहण तो लगा हुआ है, साथ में नहीं, यहाँ पे इतनी ज्यादा बादल छाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी इतने बादल छाए हुए हैं ना, बारिश हो रही थी सुबह से, तो कभी आती है कभी जाती है और फिर धुंध सा हो गया, मतलब ऐसा कोहरा टाइप हो गया बिल्कुल। तो व्हाट, काफी ग्लूमी सा लग रहा है बिल्कुल देखने में। तो फिर मैंने यही सोचा कि एक काम करती हूँ, मेरे घर के काम हो जाए थोड़े से। और मैं आपको बता दूं, वीकेंड बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि बैक टू बैक हमारे इतने सारे प्लानिंग्स और इतने सारे इवेंट्स चल रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही मेरे हिस्से पिछले वाले व्लॉग में। और मैं आपको बता दूं, जब हमारा एक ही इवेंट जो इतना धमाकेदार होता है, इतना डांस मस्ती बातें और उछल कूद वाला हो जाता है ना, तो यार पता है अगले दिन ना बॉडी की 12 बज जाती है, पता है। ऐसा लगता है वो जोश में पहले तो हम लोग प्लान कर लेते हैं, और फिर जब प्लानिंग ये इस तरीके से हो जाती है, जब फ्राइडे से स्टार्ट हुआ तो ये 2 महीने की प्लानिंग हो रखी थी हमारे डांस वगैरह करने की। तो जब वो स्टार्ट हुआ तब जब प्रैक्टिस करते थे ना, तब नहीं समझ आता था, लेकिन जिस दिन इवेंट होता है ना, उस दिन एक तो घबराहट तो होती है, एंजाइटी होती है, कैसे होगा, मैं सपना हो जाए ये वो, जबकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, फिर भी एक एंजाइटी होती है और पूरे ब्लैंक हो जाते हो आप, जब कोई परफॉर्मेंस होने वाला होता है ना, ब्लैंक हो जाते हो कि अरे मैं तो डांस ही भूल गई, ओ ऐसे करके। तो बस वही चल रहा था। और उसके अलावा मैं बता दूं कि हम लोगों की पार्टी बहुत अच्छी हुई थी, शाम को 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हम सब ने एक दूसरे का इतना प्यारा टीम वर्क करा, सब ने एक दूसरे की खूब हेल्प करवाई, खूब मजे करे, खूब बातें करी, खूब तैयार होना और खूब मस्ती हंसी ठिठोली, इतनी प्यारे प्यारे सी यादें बनाई ना, डांस भी करा, बच्चों को भी डांस करवा दिया सबने, खाना पीना बहुत बढ़िया हुआ था। और जो मेरी फ्रेंड ने ये बर्थडे पार्टी करी थी ना यार, सच में इतनी प्यारी बर्थडे पार्टी हुई, बहुत मजा आया। उनका नाम संतोष जी है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे इससे पिछले वाले व्लॉग में देखा, 2 महीने की कड़ी मेहनत ना हम लोगों की इतनी रंग लाई, और फिर पता है हस्बैंड लोगों ने भी ऑन द स्पॉट पे जो डांस करा, ओ माय गॉड, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल डांस यार, सच्ची में। उन लोगों का कभी प्लानिंग तो हुआ ही नहीं था, पर फिर भी इतना प्यारा कर लिया ना उन लोगों ने, इतनी यादें से बन गई, बड़ा मस्त, बहुत अच्छा लगा देखने में ही सच्ची में। और फिर उसके बाद बच्चों ने भी काफी अच्छे से डांस करा, और जो बड़े गर्ल है उसका तो भाई क्या कहने, उसके सामने तो हम सभी फीके लग रहे थे, उसने इतना प्यारा डांस करा था सच्ची में, उसकी एंट्री भी बहुत अच्छी हुई थी। और पता है मेरी फ्रेंड ने मुझे इतना प्यारा ब्रेक दिया माइक पे बोलने का, आई एम सो हैप्पी सो ग्लैड कि मुझे ना वो एंकरिंग का जो पार्ट था उन्होंने मुझे दिया, तो मुझे भी अपने आप में एक बहुत अच्छा लगा। व्हाट, ये चीज है ना, प्रैक्टिस के साथ आपकी निखरती चली जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है, लेकिन वो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते हो ना, वो चीजें और निखरती जाती है। तो उनको मैंने बोला था, उन्होंने मुझे दिया ये मौका, एंड आई एम सो हैप्पी। मेरी एक और फ्रेंड को मौका दिया था, तो हम दोनों को साथ में दिया, एंड हाफ पार्ट मैंने करा था, हाफ पार्ट उसने करा, एंड इट वाज सो नाइस, सो हैप्पी कि उन्होंने ये मौका दिया हमें।
उसके बाद सबकी जो ड्यूटीज थी वो भी डिवाइड कर दी थी उन्होंने, ड्रेसेस वगैरह डिसाइड करी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से प्री प्लान था, बहुत ही बढ़िया रहा और सबने बड़े अच्छे से टीम वर्क करा, कोई किसी के ऊपर बॉसेस में नहीं कर रहा था। दैट इज वेरी फर्स्ट एंड प्रायोरिटी थिंग फॉर एवरीवन कि कोई भी बॉसेस जरा नहीं कर रहा था कि है ना भाई किसी ने किसी को ऑर्डर दे दिया या किसी ने किसी को एक यू नो बॉसेस में की तरह बोलना शुरू कर दिया, बॉसगिरी करनी शुरू कर दी कि भाई ऐसे ही करना है, मेरे ही ऑर्डर्स मानने, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना अच्छा माहौल था, इतना हेल्दी ना, और सच्ची बता रही हूँ जहाँ हेल्दी माहौल रहता है ना हेल्दी फ्रेंडशिप भी आगे बढ़ती है। सच में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते करते, मेरा ऑलमोस्ट इंडियन स्टोर भी आ गया है। चलिए मैं थोड़ा सा शॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में फिर आप लोगों को कैचअप करूंगी क्योंकि मुझे ना फटाफट से शॉपिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि घर जाके मुझे दूसरी चीजों की टेक केयर करनी है और नवरात्रि है ऑफकोर्स। सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, सब किस तरीके से करते हैं क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई व्रत करता है, कोई बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेता है, कोई चप्पल नहीं पहनता है, कोई इधर नहीं जाता, कोई उधर नहीं जाता, सबके अपने अपने रहते हैं। कोई पूरे नवरात्रि व्रत करते हैं, कोई बिल्कुल एकाशना करते हैं, और कोई बिल्कुल ही 24 घंटे वाला वो करते हैं, उपवास करते हैं, सिर्फ फलाहारी करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। माता रानी सबको आशीर्वाद दें, सबको साथ में रखें और सबको खुशी खुशी खूब तरक्की दें, ये एक प्यारी सी कामना के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ इंडियन स्टोर पे, जरा सा पार्क करके ना मैं फटाफट अंदर जाती हूँ, शॉपिंग करके आती हूँ क्योंकि अगर पानी भी गिर गया ना तब भी बड़ा मैसअप हो जाएगा, और ऑफकोर्स अब पानी गिरता ही रहेगा तो मुझे बच्चों के लिए ना छाता वगैरह सब कलेक्ट करना पड़ेगा घर से, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ आप लोगों को। चलिए जा रही हूँ घर। मुझे इंडियन स्टोर से जो जो काम था वो सारा हो गया है, तो अभी फिलहाल घर जा रही हूँ। बच्चों को लेने जाने का टाइम होना उससे पहले फटाफट से घर पहुंच जाती हूँ, ये सारा सामान अनलोड कर देती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ। पता नहीं क्यों आज मन ही नहीं लग रहा है, मूड थोड़ा खराब सा है कि क्या पता नहीं। मूड भी खराब लग रहा है, तबीयत भी सही नहीं लग रही है, थकावट भी बहुत हो रही है, नींद भी बहुत आ रही है, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। मैंने कहा ना जैसे मौसम बराबर नहीं होते ना, हर दिन एक जैसे नहीं होते ना, वैसे ही पता है मूड भी एक जैसा नहीं होता हर रोज, कभी कुछ कभी कुछ। जब मदर नेचर ही एक जगह पे नहीं टिक पाती है तो हम तो ह्यूमन नेचर है, हम कहाँ से टिकेंगे। बस वही बात है। चलिए थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। अभी मैं निकल गई हूँ बच्चों को पिक करने के लिए, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रहण यहाँ से निकल गया है, आगे बढ़ गया है, ऑलमोस्ट वो ऊपर अपर टेक्सास में चला गया है, ह्यूस्टन से क्लियर हो गया और टेक्सास के ऊपर फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा और क्या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड पे जाएगा इस तरीके से। अगर आप लोगों को ट्रैक देखना है तो वो गूगल पे आप लोगों को दिख जाएगा, बट यहाँ पे अच्छा मौसम हो गया है, धीरे धीरे करके सूर्य देवता भी निकल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। गाड़ियां वैसे पहले भी चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट लेट यू नो मौसम थोड़ा सा खुल भी गया है क्योंकि पहले क्या ना बहुत बारिश सा मौसम हो रहा था, काफी धुंधला सा वो हो रहा था,
कोरा कोरा टाइप्स। और अभी खुल गया और मौसम भी ठीक ठीक है। अभी टेम्परेचर बाहर का हो रहा है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर भी मैंने सेफ साइड पे जैकेट डाल लिया है, बच्चों की भी जैकेट ले लिए हैं इन केस कभी एकदम अचानक से पानी गिरने लग जाए तो, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा खराब ही है वैसे भी इसीलिए। चलिए पहले बच्चों को पिक करते हैं। ओके गाइज, आदि प्रशा यहाँ पे आ गए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल में हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई इक्लिप्स होता है या तो सोलर या फिर लूनर जो भी होता है, तो बच्चों को स्पेशल क्लासेस के थ्रू वो रियल एक्सपीरियंस किया कराया okay. जाता है। तो आज आदि और प्रशा को भी कराया गया है और वो अपने अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यस आदि, नाउ दिस इज योर टर्न। आदि So there's one. No, what is solar eclipse? Eclipse is like a moon. It's like a rotation. Like, yeah. Okay, Adi, go ahead. So it's like, yeah, I forgot. No, you have to remember and then again say it. So it's like, so the sun and the earth, but you don't see the earth. You see this moon, right? Mm-hmm. The sun sometimes cover the moon. Right? That is called lunar eclipse. Yes, and no, when, what is solar? When sun covers the, when, moon covers sun. When moon covers the sun, it's called solar eclipse. Yes. Okay? So today we saw solar or lunar? I saw solar. Good. And now Prisha has to talk about her experience. Come here. Prisha, come here and say. So we went outside. And the teachers gave us special glasses, pretend to have glasses on. And then we were looking at the sun and the solar eclipse, and we saw that the moon was covering the sun, which was making a small crescent moon. Good. Give me high five. That's all my experience. And also, yeah. Okay. Now Adi will share his experience. So I didn't have the solar eclipse glasses. I had like those like Bucky's one. And I look up to the sun. Oh my god. It was so difficult to look at the sun. It looking like a little diamond over there? And no, it was very shiny or like really that? Ring kind of a thing? No, it wasn't. No, it's really kind of diamond ring. Was it look like that? Yeah. But it wasn't for it us. It wasn't really a diamond ring. It was just like a... It was like when you look in there, it was like orange. Orange, okay. Orange. So Adi saw and shared his experience, and Prisha saw and shared her experience. Dono bachcho ka apna apna experience hai. It was a crescent. Crescent, okay. It's called a crescent. It's called a crescent. It's called crescent. Okay. It doesn't matter with the pronunciation, but he knows it, whatever it's called. Right, Adi? Mm-hmm. Right, Prisha? Yeah. ओके, तो दोनों बच्चों ने अपने अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करे। इन दोनों का बहुत ही प्यारा पर्सनल एक्सपीरियंस था जब इन्होंने देखा सोलर इक्लिप्स, वो भी स्कूल में स्पेशल ग्लासेस के थ्रू। चलिए अभी अभी हम लोग घर जाते हैं, घर जाके अपने जो 5 रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं, क्योंकि और फिर मुझे शाम की तैयारी भी करनी है, एक्चुअली कल की तैयारी करनी है शाम को। चलिए अभी चलते हैं। चलो लेट्स गो। Get ready for Jai Mata Di. Tomorrow Jai Mata Di is coming. For another 10 days. 9 days. Okay? Bolo Jai Mata Di. Jai Mata Di. Zor se bolo. आदि प्रशा आ गए हैं स्कूल से और जैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, अम्ब्रेला की जरूरत पड़ी। टेक यू बैक प्रशा। ये अम्ब्रेला रख देती हूँ उसकी जगह पे। बी केयरफुल, टेक आउट योर शूज। टेक दिस। काम में नहीं आए दोनों की जैकेट।